छोटे साइज के हेलमेट है देखें बच्चों के लिए। हाँ ये चार नंबर का साइज है, बैग और बॉल, कटिंग पैड बाजू के लिए, ये एल्बो के थाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल मायसेल्फ सिकंदर उमर। कुछ मेरे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमें 14 साल या 13 साल के कम उम्र वाले बच्चों की किट बैग हमारे आप दिखा दें, तो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं छोटे बच्चों की किट बैग। हमारे साथ मौजूद है अदील भाई। अदील भाई अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा फ्रेम में आ जाए। पहले भी मैंने आपको जो एडल्ट किट्स दिखाई हैं, तो अब ये छोटे साइज़ की किट है और इसमें वही आइटम पूरे 10 रहते हैं और इसकी जो स्टार्टिंग रेंज है वो 6,000 रुपये है। 6,000 के बाद फिर इसमें एक 8,000 वाली वैरायटी भी है, एक इसमें 12,000 वाली वैरायटी भी है। मुझे बता दें कि अडल्ट साइज़ की जो हमने किट बैग दिखाई थी वो भी 6,000 की थी। 6,000 रुपये की थी, तो ये बच्चों की 6,000। खास फ़र्क नहीं है, साइज़ का सिर्फ फ़र्क आता है। जिस तरह शर्ट लेने जाते हो एक्सेल भी उसी दाम में मिल जाती है, मीडियम भी उसी दाम में मिल जाती है। हाँ ये 4 नंबर का साइज़ है, वो एडल्ट साइज होता है। ठीक है, ये कितनी एज तक के बच्चे खेल सकते हैं? इसे खेल सकते हैं तकरीबन 10 साल तक के बच्चे खेल लेंगे। फिर इसके बाद आएगा, हाँ इससे बड़ा आएगा 5 नंबर, फिर उसके बाद एक 6 नंबर और इस तरह फिर साइज बढ़ जाते हैं। पैड हेलमेट वगैरह का भी यही हिसाब किताब है, यानी जो उनको चाहिए होगा वो अपनी एज आपको सेंड करें। हाँ तो इस हिसाब से मैं उनको कितने क्या क्या मौजूद होगा इसके अंदर, पैड है, बैट है, ग्लव्स है, हेलमेट है, थाई, एल्बो गार्ड, सपोर्टर, बैग और बॉल। और इसमें ये वाली वैरायटी 6,000 रुपये की है। हाँ इसमें अगर आप बैट डालते हो इंग्लिश विलो का, पैड डालते हो अच्छा वाला, ग्लव्स अच्छे वाले आ जाएंगे, ये आपकी 15,000 रुपये की, 20,000 रुपये की हिसाब की किट भी बच्चों में मौजूद है मेरे पास। ठीक है, ये यानी कम से कम रेंज में। हाँ इस वक्त कम से कम रेंज में यही है, और अगर अच्छे लेवल पर खेलने बच्चों ने तो वैरायटी दिखा देंगे। सबसे पहले आया था क्रिकेट बैट और हार्ड बॉल का बैट है, टेबल ये रबड़ कॉक का बैट नहीं है, हार्ड बॉल, हार्ड बॉल के लिए बैट है ये। चेक करवाएं अपने व्यूअर्स को। और मैं कुछ विलो वगैरह का होगा क्या? नहीं ये विलो नहीं है, विलो में मिल जाएगा अगर बच्चों में चाहिए, विलो का बैट मिल जाएगा। फिर इसके बाद पैड आ जाते हैं, बैटिंग पैड एडल्ट साइज होता है, उससे थोड़ा छोटा है ये, 23 इंच का साइज कहलाता है, 22 इंच का, 23 इंच का। पायदार चिप्स लगी हुई है, हल्की वाली नहीं है, ये भी 10 साल के बच्चों के लिए बेहतरीन है, बच्चों के हिसाब से ये वैरायटी बनी हुई है ना। फिर इसके बाद ये 2 आइटम हो गए आपके, तीसरा आइटम हेलमेट आ जाता है, ये हेलमेट है, छोटे साइज के हेलमेट है देखें बच्चों के लिए, तीन आइटम हो गए। बॉल सुकून से दिखाएंगे, एंड का आइटम है। और फिर इसके बाद ग्लव्स आ जाए, ग्लव्स आ गए देखें, बच्चों की वैरायटी है ग्लव्स की, अगर अच्छी वैरायटी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, नॉर्मल बच्चों के लिए यही चलते हैं। देखें ये बच्चों की वैरायटी है, जोड़ी, एक में अंगूठा होता है एक में नहीं होता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये आपके हो गए 1, 2, 3, 4 आइटम, तारुफ के मोहताज नहीं है ये। और हाँ इसलिए कह रहा हूँ तारुफ के मोहताज नहीं है। फिर उसके बाद ये एल्बो आ जाएगी, थाई आ जाएगी, ये एल्बो आ जाएगी बाजू के लिए, ये एल्बो के थाई के लिए। थाई के बाद आ जाता है एक बैग, अपना बैग आ जाता है जिसमें सारा सामान आएगा, इससे बैट बाहर आएगा आपका, ये देखें। बैट बाहर आएगा, अगर आप थोड़ा ओवर एज हैं लाइक 14 साल या 15 साल तो अपनी एज मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, अपनी एज बताएं और फिर उस हिसाब से मैं आपको किट रेफर कर दूंगा। फ़र्क कोई नहीं आएगा खास, एक हेलमेट का फ़र्क आएगा, फिर बैट का फ़र्क आएगा। फिर उसके बाद अब लास्ट चीज़ रह गई, बॉल रह गई, सिकंदर भाई दिखाएंगे। यार चल चलने वाली चीज़ है ये, तकरीबन 20-25-30 हज़ार सुकून से निकाल जाता है, अलग से 300 रुपये का, 300 रुपये एक, 300 से वैरायटी स्टार्ट है मेरे पास। मेरे पास बॉल की काफ़ी वैरायटी है, 300, 600, फिर उसके बाद 700 वाली है, फिर और अच्छे में चाहिए तो वो बहुत ऊपर की वैरायटी। वाइट बॉल होते हैं अभी ख़त्म है, मिल जाएंगे। हाँ मेरे जो अपने नाम की एच की बॉल है वो इस वक्त 1800 रुपये की। कांटेक्ट करने का कुछ बता दें, वही आपको मेरा नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा इस वक्त, और एड्रेस भी सिकंदर भाई स्क्रीन पे आपको बताएंगे। लाइट हाउस, लाइट हाउस एमएजीना रोड,
और आप हनीफ स्पोर्ट्स गूगल मैप पे भी पिन है, आप वहाँ से भी चेक करें, और जैसे ही आपको अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो रिव्यूज़ भी दें। और काइंडली यार बुरे कमेंट करने से थोड़ा गुरेज करें यार, डीमोटिवेट करते हो आप, सीधी सी बात है, किसी को बुरा बुरा ना बोलना। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप ना देखें वीडियो और कहीं और चले जाएँ, किसी और दुकान से आप खरीद लें, ठीक है। और मैं तो बस यही कहूँगा, अगर आपको प्राइस अच्छी नहीं लगती तो आप किसी और दुकान से खरीद लें। मलयालम बात कर रहे हैं, और भी इंशाल्लाह आपके लिए और सस्ती सस्ती आइटम यहाँ से लेकर आएँ, क्योंकि हम लोग मौजूद हैं होलसेल मार्केट में। सही कहा आदिल भाई? बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरा इस वक्त सियालकोट में आपको फैक्ट्री, जैसे आपने लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया था, और फैक्ट्रीज़ की वीडियो भी मैंने आपको भेजी थी, तो अपना खैर यहाँ पे फैक्ट्री तो जाना नहीं होगा। मैं इंशाल्लाह भी मेरा सियालकोट राउंड लगेगा तो आपको बिल्कुल फैक्ट्री की वीडियोस बना के दूंगा आपको। यानी फैक्ट्री की वीडियोस भी आ रही हैं, जो एक भाई ने कहा था यार बेल्ट कहाँ बनते हैं उनकी वीडियोस बना के भेजो, तो वो भी कमिंग सून, बस बने रहे वीडियो।